हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। धौलाधार के पहाड़ों की गोद में बसे धर्मशाला को करीब 2.25 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। धर्मशाला स्थित HPCA के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अगले साल 12 मार्च को एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके अलावा T20 क्रिकेट मैचों की फ्रीडम ट्रॉफी सीरीज का भी एक मैच इसी साल 15 सितंबर को HPCA स्टेडियम धर्मशाला में होगा। लंबे समय से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय और IPL मैच न होने से प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन BCCI ने हाल ही में 2019-20 के लिए जारी शेड्यूल में 2 मैच धर्मशाला को देने के बाद इनके चेहरे खिल उठे हैं। इस साल 15 दिसंबर को T20 और अगले साल यानी कि 2020 में 12 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से भारत का वनडे आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा T20 क्रिकेट मैचों की फ्रेंडली ट्रॉफी सीरीज का भी एक मैच HPCA स्टेडियम धर्मशाला की झोली में आया है। ये मुकाबला इसी साल 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये तय नहीं है कि धर्मशाला में T20 मैच किन देशों के बीच होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीरीज में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भाग लेंगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के साथ भारत का एक दिवसीय मैच हुआ था जो कि धर्मशाला स्टेडियम का आखिरी मैच था। वहीं मार्च 2015 में T20 वर्ल्ड कप के 10 मैचों के बाद यहां पर कोई भी T20 मैच आज तक आयोजित नहीं किया गया है।